आजमगढ़ के जिला कारागार में आज सुबह एसपी सुधीर कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन एनपी सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ छापेमारी। जी हां, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज और मैं हूं आपके साथ एसपी रावत। आजमगढ़ के जिला कारागार में आज सुबह एसपी सुधीर कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन एनपी सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ छापेमारी की गई। इस दौरान एक एक बैरकों की तलाशी का अभियान जारी था। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार व क्षेत्राधिकारीगण भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले माह जिस प्रकार से लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड व आजमगढ़ के पूर्व प्रधान मनीष राय समेत अन्य संगीन घटनाओं के तार आजमगढ़ जेल में बंद अपराधियों से मिलते रहे हैं, उससे साफ है कि प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। एसपी का कहना है कि शुरुआती चेकिंग में कोई आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं बरामद हुई है, लेकिन अभी तलाश जारी रहेगी। अभी तक जेल प्रशासन की कोई सीधी लापरवाही नहीं दिख रही है, लेकिन अभी जांच की जा रही है। इंडिया पावर न्यूज के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की खास रिपोर्ट। छापेमारी हुई, किस तरीके की छापेमारी थी, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जेल के अंदर छापेमारी की गई है और ये सुबह सुबह छापेमारी की गई है। सभी बैरकों की तलाशी ली गई है और अभी भी तलाशी की जा रही है। अभी तक सब कुछ सामान्य है और कोई और बात अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। अब तक जितनी भी जनपद में लूट या हत्या हुई है उनका कहीं ना कहीं लिंक आजमगढ़ जेल से मिला है, तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर मोबाइल चल रही है और बदमाशों को हाई वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की जाँच चल रही है? देखिए, अभी जो हत्या हुई थी एक तो लखनऊ में हुई थी अजीत सिंह की और एक फिर मनीष राय की हत्या हुई थी। दोनों में जो षड्यंत्र की जो बात सामने आई थी वो जेल के अंदर से, आजमगढ़ जेल के अंदर से आई थी और तब से हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और उसी के संदर्भ में छापेमारी भी की गई है। लगातार यहाँ से सूचना एकत्रित की जा रही है और जो भी कोई दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यकता होगी तो उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। क्या लगता है कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की संलिप्तता है इसमें, भूमिका है उनकी? देखिए, अभी तो कोई बात सामने ऐसी नहीं आई जेल प्रशासन के संलिप्तता वाली, लेकिन लगातार इस पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी क्योंकि आजमगढ़ की जेल हमेशा से संवेदनशील रही है और यहाँ से हमेशा से कुछ ना कुछ बात आती रही है इस टाइप की, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। आज आपने चेकिंग किया है तो आज आप लोगों को क्या मिला है और आपत्तिजनक? जैसे मैंने अभी कहा कि अभी सभी कुछ सामान्य है और अभी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद टीम अंदर लगी हुई है और कुछ कोई बात अगर सामने आएगी तो आपको बताएगी।